यवतमाल शहर में और नेर जिले के कई हिस्सों में हजारों ब्रास की रेती जमा हो रही है, जबकि आरटीआई कार्यकर्ता चंदन हटगड़े ने यहां तहसील कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यवतमाल और नेर के तहसीलदार रेत के स्टॉक का सबूत देने के बावजूद रेत माफियों के खिलाफ कार्रवाई से बच रहे हैं। इन अनशन में रेत माफिया समेत तहसीलदारों की संपत्ति की जाँच की मांग की गई है। चंदन हटगड़े ने 30 मई को टावर पर चढ़कर आंदोलन किया था। इस समय तहसीलदार कुणाल जलते इन्होंने 15 दिन में यवतमाल शहर में अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। जुर्माना भरने के आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तहसीलदार जलते ने एसीबी के माध्यम से उन पर रेत माफियों के साथ वित्तीय हित रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने संपत्ति की जांच की मांग की है। नेर शहर के शिवाजी नगर में रेत स्टॉक की जानकारी नेर के तहसीलदार को दी गई थी, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी। स्वर्गीय वसंतराव नाइक स्कूल परिसर में हजारों पीतल के अवैध रेत भंडार के फोटो वीडियो भेजकर तहसीलदार के पास शिकायत दर्ज कराई थी। मांग की जा रही है कि पूरे मामले की जांच कर संपत्ति की जांच कराई जाए। साथ ही यवतमाल सिटी थाने में दर्ज केस रेत माफिया सलीम जावीर अंसारी मुख्य आरोपी है और एक साल से फरार है। चंदन हटगड़े ने आरोपियों को गिरफ्तार करने और अपराध में प्रयुक्त हथियार को जब्त करने की भी मांग अनशन में की है। दिनांक 22 मे तहसीलदार यवतमाळ यांना वेळोवेळी वाळू माफिया यांच्या संदर्भात तक्रारी निवेदन 30 मेला मी टावर आंदोलन सुद्धा केलं। त्या टावर आंदोलनवर आल्यानंतर त्यांची भेट दिली, त्यांनी मला लेखी स्वरूपात आश्वासन दिलं, परंतु ते लेखी आश्वासनसुद्धा त्यांनी कुठल्याच प्रकारचे ना वाळूचे साधे जप्त केले, ना ओव्हरलोडवर काही कारवाई केली, ना कुठल्या उत्खनन करणाऱ्यावर वाळू माफियावर कारवाई केली। या वाळू माफियावर कारवाई न करण्यामागचं कारण काय नेमकं तहसीलदार साहेबांनी यांनी सांगावं। यवतमाळमध्ये बलाढ्य असे झालेले हे वाळू माफिया व्यक्ती अवाच्या भाव सवाभाव विकून चोरी करून व्यक्ती चोरून आणतात व चोरीचं माल विकतात। अशा उडवलेल्या वाळू माफियांवरती जिल्हा प्रशासनात कुठल्या प्रकारचा वचक राहिलेला नाही आहे। त्याचं कारण असं की मागच्या वर्षी माझ्यावरती जीव घेणं हल्ला या वाळू माफियांद्वारे करण्यात आला व माझे अपहरण करून मला लग्न अवस्थेत करून माझा व्हिडिओ व्हायरल करून सर्व प्रसार माध्यमात माझी नाहक बदनामी केली। त्या संदर्भातील मुख्य असा महत्त्वाचा आरोपी मोहम्मद जाबीर सलीम जाबीर अन्सारी हा अद्यापही फरार आहे व अटक त्याला करण्यात आली नसल्याकारणाने मी या उपोषणाला मंडपात आज त्याला अटक करावी या कारणासाठी बसलेलो आहे। काय नाव आपलं? माझं नाव चंदन सुद्धा मातागडे राहणार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।